जय हिंद। शुभ सल के में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है गिरिट झारखंड से नंदी कुमार जी। ऑपरेशन के 45 दिन बाद में दोनों कानों का दूरबीन विधि द्वारा आपका एक साथ ऑपरेशन हुआ था, और अब हम देखना चाहते हैं कान कैसा है, कान कैसे है। सबसे पहले हम कान के बाहरी हिस्से को देख रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चीरा कट्टा का निशान नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ था। और अब हम कान के पर्दे को देखना चाहेंगे। here we see neo tympanum is healthy, graft uptake complete, now तरुण पर्दा अपनी मजबूत स्थिति में, fantastic। ये भी दिखा दीजिए। सबसे पहले हम कान के बाहरी हिस्से को देखेंगे। हम देख रहे हैं कान के बाहर से भी किसी प्रकार का कोई चीरा कट टाका निशान नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन ट्रांसकैनल मेथड द्वारा पूर्ण आंतरिक पद्धति द्वारा किया गया था। और अब हम पर्दे को देख रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं न्यू टिम्पेनम इज हेल्दी, ग्राफ्ट अपटेक कंप्लीट, कैनाल इज स्लाइटली ओब्लिक, सो वी आर यस दिस इज न्यू टिम्पेनम, फैंटास्टिक। तो नंदन कुमार जी, सबसे पहले नंदन कुमार जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम नंदन कुमार है, मैं गिरिडीह झारखंड से आऊँ। मैं इसी बार 12th पास आउट हूँ, और मैं अभी एयरफोर्स इंटेक फर्स्ट ऑफ 2024 एग्जाम जो अक्टूबर में होना उसकी तैयारी कर रहा हूँ। जी, कान से संबंधित आपकी क्या तकलीफ थी? कान से संबंधित यही तकलीफ कि पहले 2 सालों से मेरे कान में कुछ लाटपन हो रही थी, तो मैं अपने नज़दीकी में दिखवाया था, पर दोनों पर्दे में छेद बताया गया था। जी, इसके कारण मैं यहाँ पहुँचा है। जी, अब कैसा लग रहा है, आपके दोनों पर्दे ठीक हो गए हैं? अब बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, एयरफोर्स के लिए आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। हाँ। और आने वाले फिजिकल मेडिकल में अपीयर होकर एयरफोर्स का एक हिस्सा बन सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।